दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। दोस्तों आज हम आपसे लेके आए हैं जॉब की एक और अपडेट, जो कि भर्ती होने वाली है SBI बैंक में और रिक्रूटमेंट रहने वाली है PO के लिए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो पूरी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम कि यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, कितने किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है हमारे पास वो है 2056। तो बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे SC के लिए 300, रेगुलर वैकेंसी 300, ST के लिए 150, OBC के लिए 540, EWS के लिए 200, जनरल के लिए 810। टोटल हैं दोस्तों 2000। और जो दोस्तों बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जैसे SC के लिए 24 हैं, ST के लिए 12, OBC के लिए 20, टोटल है 56। दोस्तों टोटल जो हमारे पास वैकेंसीज बनती है, SC के लिए जो टोटल वैकेंसी बनती है वो है 324, और ST के लिए 162, और OBC के लिए 560, और EWS के लिए 200, और जनरल के लिए 810। टोटल बनती है हमारे पास दोस्तों 2056। और दोस्तों कुछ ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बांट रखी है। LD के लिए 20 हैं, और BI के लिए, विजुअल इंपायर के लिए आप देख सकते हैं 20 हैं, HI के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 20 हैं, और डेप्थ ऑफ हेयरिंग के लिए यहाँ पे 20 हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल बनती है ये वैकेंसीज, कुछ ये वैकेंसीज हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसकी कि इसमें हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या इसमें रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। दोस्तों जो इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 5/10/2021 से लेके 25/10/2021 तक है, और जो आपकी पेमेंट की है 5/10/2021 से लेके 25/10/2021 तक आपकी पेमेंट होगी। जो उसका एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा, उसका कॉल लेटर आपको फर्स्ट सेकेंड वीक नवंबर में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका प्री एग्ज़ाम है इसका ना आपको नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, और जो रिजल्ट होगा इसका वो दिसंबर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मेन डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, जो मेन का लेटर है, वो आपको थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड वीक में दिसंबर के देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें तीन फेज होते हैं एग्ज़ाम के, प्री, मेन और इंटरव्यू। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फेज़ टू की। जो फेज़ टू का है इसमें क्या है कि इसका जो फेज़ टू का एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट में आपको आपका हो जाएगा, और जो इसका रिजल्ट है वो आपको जनवरी 2022 में देखने को मिलेगा। और जो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑफ फेज़ थ्री, मतलब इंटरव्यू व्यू के लिए जो भी सिलेक्टेड होंगे उनका जो आपको कॉल लेटर वगैरह है वो फर्स्ट सेकंड वीक और फरवरी 2022 में इशू हो जाएंगे। दोस्तों जो इसका इंटरव्यू है वो इसका इंटरव्यू सेकेंड थर्ड वीक ऑफ फरवरी में होगा, और जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो आपको लास्ट वीक और मार्च, फरवरी लास्ट या मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसमें देखो, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट वीक, इसमें ट्रेनिंग भी करवाते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और कनेक्ट द प्री ट्रेनिंग इसके लिए क्या है इसका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं यहाँ पे। SC ST वालों के लिए दोस्तों 5 साल है, OBC के लिए 3, और पर्सन विद बैक वेंचर डिसेबिलिटी इनके लिए 15 साल रखी गई है। SC के इसमें अगर कोई SC कैटेगरी का गिर गया उसको 15, और OBC का है उसके लिए 13, और जनरल का है उसके लिए 10 साल रखी गई है। और दोस्तों बात करें हम इसकी जो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो मैं इसकी भी आपको साथ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इसकी पूरी मतलब डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बांट रखी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और सैलरी वगैरह ये आप देख सकते हैं इसकी छत्तीस दे रखी है। तो ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया है हमारे पास प्री और मेन का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सारा। वीडियो बन रही, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, जो SBI की जो साइट है www.sbi.co.in करियर वर्क पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और यहाँ पे साइट देख सकते हैं आपको, यहाँ पे पूरा उन्होंने प्रोसेस बताई, पूरी प्रोसेस बताई हुई है। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 750 है, जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो ये फ़ीस की भी बात होगी दोस्तों इसमें, ये आप देख सकते हैं। अब करते हैं बात अपने अगले जो हमारे लिए प्रोसेस है इसके बारे में रिगार्डिंग।
तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपसे मैं सेफ आज शेयर करूंगा कि एग्जामिनेशन सेंटर के क्या कहाँ का रहने वाले हैं। तो आप एग्जामिनेशन का देख लीजिए, प्री में ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के यहाँ पे 35 होंगे, रीजनिंग और एबिलिटी के यहाँ पे 35 होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होगा दोस्तों, 20-20 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे का इसमें टाइम होगा। और ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन 3 आवर विद वी कंसिस्ट ऑफ 4 सेशन, 200 मार्क्स का ये होगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल दी है, ताकि दोस्त अगर आपको उसकी अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दे रखे हैं, हिमाचल वालों के लिए एग्जामिनेशन सेंटर, सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए 2 सेंटर होंगे, शिमला और सोलन में। तो आप अगर आउट ऑफ हिमाचल हैं उन सबके लिए यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, 2056 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसके लिए ग्रेजुएशन है, आपको पता ही है कि पीओ के लिए हमेशा ग्रेजुएशन ही होती है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होगी। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हिमाचल फॉरएवर पे बने रहिए, और साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वारी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप फिर भी मुझसे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझसे जाके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर क्वारी को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।